वर्ल्ड वॉर टू में नाजी जर्मनी के खात्मे के बाद दुनिया को मिले दो सुपर पावर देश सोवियत यूनियन और अमेरिका। पर 90 के दशक तक आते आते सोवियत यूनियन का पतन हुआ और उसके बाद सिर्फ अमेरिका को सुपर पावर देश माना गया और दुनिया बाइपोलर से यूनिपोलर में चेंज हो गई। अमेरिका वक्त के साथ साथ मिलिट्री और इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग हो गया जिसके चलते वो जिस देश पे आर्थिक प्रतिबंध या सैंक्शंस लगाता बाकी सभी देशों को उसकी बात को मानना पड़ता और ये हमें आज भी देखने को मिलता है। पर फिर आता है साल 2020। कोरोना ने दुनिया का पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल समीकरण ही दांव पर लगा दिया है, लिहाजा अब ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि इस महामारी के बादल छटने के बाद दुनिया की तस्वीर ही बदल जाएगी। बहुत मुमकिन है कि अमेरिका का इकोनॉमिक सुपर पावर का तमगा भी छिन जाए और दुनिया की पावर सेंटर वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए, यानी अमेरिका से चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या चाइना अमेरिकन इकोनॉमी को 2028 में ओवरटेक कर लेगा, अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो अमेरिका चाइना को रोकने के लिए क्या करेगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। तो मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, और अब आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया की इकॉनमी तबाह हो गई है, पूरी दुनिया की इकॉनमी में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन चाइनीज इकॉनमी ने पॉजिटिव ग्रोथ के फिगर शो किए हैं। तो इसके चलते CEBR थिंक टैंक ने एक प्रेडिक्शन की है कि साल 2028 में चाइना अमेरिकन इकॉनमी को ओवरटेक कर लेगा। कोरोना से पहले ये अनुमान लगाया गया था कि चाइना अमेरिकन इकॉनमी को 2033 में ओवरटेक कर लेगा, पर कोरोना के बाद ये 5 साल पहले होता हुआ दिख सकता है। CEBR थिंक टैंक ने ऐसा इसलिए कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से अमेरिकन इकॉनमी को बहुत नुकसान पहुंचा है और अमेरिकन GDP पहले के मुकाबले कम हुई है, पर दूसरी तरफ चाइनीज इकॉनमी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, उसकी GDP पहले के मुकाबले थोड़ी बढ़ी है। तो इस पैंडेमिक के चलते दोनों देशों की GDP में डिफरेंस कम हो गया है, जिसके चलते CEBR ने कहा है कि चाइना 2033 की जगह 2028 में अमेरिकन इकॉनमी को ओवरटेक कर लेगा। अब तक हमने CEBR की प्रेडिक्शन के बारे में बात की है, अब जानते हैं कि चाइना कैसे ये प्रेडिक्शन को सच कर सकता है और 2028 में अमेरिकन इकॉनमी को ओवरटेक कर सकता है। पहला कारण दोनों देशों की GDP ग्रोथ रेट है। IMF ने प्रेडिक्ट किया है कि 2021 से लेकर 2025 तक चाइना की एवरेज ग्रोथ रेट एनुअली 5.7% होगी, उसके बाद 2026 से 2030 तक चाइना की एवरेज ग्रोथ रेट एनुअली 4.5% होगी। वहीं दूसरी तरफ US की ग्रोथ रेट 2021 में 4-5% के बीच होगी, पर उसके बाद 2022 से 2024 तक US की एवरेज ग्रोथ रेट एनुअली 1.9% होगी, उसके बाद 2025 से 2030 तक US की एवरेज ग्रोथ रेट एनुअली 1.6% होगी। तो अगर IMF की ग्रोथ रेट की प्रेडिक्शन सही होती है तो आने वाले कुछ सालों में चाइना अमेरिका से 2-3 गुना तेजी से ग्रो करेगा, जिसके चलते ये मुमकिन है कि चाइना 2028 तक अमेरिकन इकॉनमी को ओवरटेक कर लेगा। इसके अलावा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर शी जिनपिंग का एक विजन 2035 है, वो चाइना की इकॉनमी को 2035 तक डबल करना चाहते हैं। उसके लिए वो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इस मामले में चाइना का मुकाबला कर सके। तो चाइना अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग करता है तो लिहाजा ये प्रेडिक्शन काफी हद तक सही नजर आ रही है कि चीन 2028 तक अमेरिकन इकॉनमी को ओवरटेक कर लेगा। मगर ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है, कहानी का दूसरा पहलू तो अभी बाकी है और ये बहुत ही दिलचस्प भी है और इसे जानना भी बेहद जरूरी है। इस कहानी का दूसरा पहलू ये है कि क्या अमेरिका चाइना को इतनी आसानी से अपने से आगे जाने देगा, क्योंकि अगर चाइना अमेरिकन इकॉनमी को ओवरटेक करता है तो उसके पास अमेरिका की कुछ पावर ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगी और वो पावर्स होंगी सैंक्शंस की। फिर चाइना अमेरिका की तरह उन देशों पर सैंक्शंस लगाएगा जिसे उसे खतरा होगा और जो उसकी बात नहीं मानेंगे। पावर अमेरिका से शिफ्ट होकर चाइना के पास जाती हुई नजर आएगी और ये सारी बात अमेरिका को पहले से ही पता है। साल 2017 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की घोषणा की थी, इसका मकसद था दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कंपटीशन बढ़ाने पर जोर देना, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कंपटीशन बढ़ा तो दुनिया का कोई भी देश खासकर चीन उन्हें हराने की स्थिति में नहीं होगा। इसके बाद से चीन और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। उसके बाद चाइना को रोकने के लिए साल 2018 में अमेरिका चाइना के साथ ट्रेड वॉर की शुरुआत करता है,
अमेरिका चाइनीज प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाना स्टार्ट करता है। साल 2019 तक अमेरिका चाइनीज गुड्स पे 550 बिलियन डॉलर्स का टैरिफ इम्पोज कर देता है। उसके जवाब पे चाइना अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे 185 बिलियन डॉलर्स के टैरिफ लगा देता है, पर अमेरिका पे उसका कुछ असर देखने को नहीं मिलता है। वो इसलिए क्योंकि जब अमेरिका और चाइना आपस में ट्रेड करते हैं तो उस ट्रेड में सबसे ज्यादा फायदा चाइना को होता है, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी पता थी। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जानते थे कि जैसे जैसे ट्रेड वॉर का टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे चाइना का लॉस और बढ़ेगा, और ये हुआ भी। जहां 2018 में चाइना ने अमेरिका में 539 बिलियन डॉलर्स का प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया था, वहीं 2019 में टैरिफ की वजह से चाइना का एक्सपोर्ट गिर के 452 बिलियन डॉलर्स पे आ गया। डायरेक्ट 87 बिलियन डॉलर का लॉस चाइना को हुआ। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 2013 के बाद चाइना का एक्सपोर्ट अमेरिका में इतना नीचे आया था। अमेरिका को भी एक्सपोर्ट में लगभग 14 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ था। पर जब आप दोनों देशों के बैलेंस ऑफ ट्रेड को देखते हैं तो उसमें अमेरिका की जीत हुई है। जहां 2018 में चाइना ने 419 बिलियन डॉलर्स का माल ज्यादा बेचा था अमेरिका में, वही 2019 में ये गिर के 345 बिलियन डॉलर्स पे आ गया। अमेरिका ने कुछ ना करते हुए अपने देश के 74 बिलियन डॉलर सेव किए। तो जैसे जैसे ये ट्रेड वॉर बढ़ती रही वैसे वैसे चाइना की मुश्किलें बढ़ती रही। तो अपनी मुश्किलों को कम करने के लिए चाइना ने अमेरिका के सामने एक डील रखी, और 15 जनवरी 2020 को चाइना और अमेरिका ने यूएस चाइना फेज वन ट्रेड डील साइन की। पर ये डील से भी चाइना को कुछ फायदा नहीं हुआ, उल्टा ये डील से अमेरिका को खूब फायदा हुआ। चाइना ने जो अमेरिका के 696 प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाया था, अब चाइना पहले वही प्रोडक्ट्स अमेरिका से खरीदेगा, उसके बाद अमेरिका चाइना के प्रोडक्ट्स को खरीदेगा। तो 2 साल से चल रहे ट्रेड वॉर से चाइना को इकोनॉमिकली बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा मार्केट अमेरिकन मार्केट है। ऊपर से ट्रेड वॉर फेस वन की डील भी अच्छी नहीं गई, तो चाइना को कुछ तो करना ही था। और तब आया कोरोना वायरस। दुनिया पर अचानक आई इस महामारी के बाद हालात ऐसे बदले कि किसी भी देश के पास कंपटीशन का मौका ही नहीं आया, और अमेरिका कंपटीशन से पहले ही हार मान लिया, क्योंकि कोरोना वायरस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अमेरिका में ही देखने को मिला। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने चाइना के साथ ट्रेड वॉर की शुरुआत की थी, वो अपना दूसरा अमेरिकन इलेक्शन हार चुके। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन होंगे और उनकी पॉलिसीज चाइना के अगेंस्ट नहीं होगी। जो बाइडन के रिलेशन पॉलिटिकली और पर्सनली चाइना से काफी अच्छे हैं। इलेक्शन के समय में उन्होंने कहा था कि जब वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो अमेरिका चाइना के बीच चल रही ट्रेड वॉर को खत्म कर देंगे, तो फ्यूचर में चाइना और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर खत्म होगी। उसके बाद चाइना वापस अमेरिकन मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएगा बिना किसी डर के, और फिर चाइना के लिए अमेरिका को ओवरटेक करना आसान हो जाएगा। पर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये अमेरिका है जो कभी भी अपनी पावर शेयर नहीं करता है, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद से किसी भी देश को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। उसने जापान, सोवियत यूनियन, यूरोपियन देशों तक की बचा दी, तो वो चाइना को कैसे छोड़ देगा। तो जैसे ही कोरोना वायरस का असर अमेरिका में खत्म होगा, उसके बाद आपको चाइना के विरुद्ध अमेरिकन पॉलिसीज में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इस बात पे मैं पूरा 100% श्योर नहीं हूँ, मैं बस अपने से एक अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका इतनी जल्दी घुटने नहीं टेकेगा। उसे इस तरीके के खेल में महारत हासिल है, और इस बार चाइना के खिलाफ बहुत से देश अमेरिका का साथ देंगे। तो आने वाले 4 सालों में हमें पता चल जाएगा कि चाइना 2028 में अमेरिका को बीट कर पाएगा या नहीं। और ये जो 4 साल होंगे वो जो बाइडन की पॉलिसीज पे बहुत डिपेंड होंगे। अगर जो बाइडन चाइना के साथ ट्रेड रिलेशन स्ट्रांग करते हैं तो उसे चाइना को फायदा होगा, क्योंकि यूएस चाइना ट्रेड में चाइना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। चाइना आराम से अमेरिका को 2028 में ओवरटेक कर लेगा। पर जो बाइडन की ट्रेड पॉलिसी चाइना के अगेंस्ट रहती है तो चाइना को 2028 तक अमेरिका को बीट करने में बहुत मुश्किल होगी। अब आप में से बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि भारत इस सिचुएशन में क्या करेगा। देखो, भारत कुछ नहीं करेगा, सिर्फ मौके का फायदा उठाएगा। भारत को किसी से भी लड़ने की जरूरत नहीं है, उसे बस अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना है और अपनी पॉलिसीज को बेहतर बनाना है, क्योंकि कभी ना कभी चाइना अमेरिका को बीट करेगा। तो तब तक भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर लेना होगा कि फ्यूचर में चाइना भारत का कुछ बिगाड़ ना सके। वैसे सीईबीआर ने एक चीज और प्रिडिक्ट की है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। तो अगर भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है तो चाइना भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे इस टॉपिक पे मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाया है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। वीडियो देखिएगा जरूर, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू।
एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।